खबर राजधानी देहरादून के ऋषिकेश से है, जहां वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष दीपक मेहरा ने गुरुवार को मोतीचूर रेंज के वन कर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने वन कर्मियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना, जिस पर वन कर्मियों ने खस्ता हाल चौकी सालों की मरम्मत किए जाने को लेकर अपनी समस्याएं रखी। बता दें कि राज्य वन बैंक के विभिन्न विभागों में अधिकतर स्थानों पर बनी वन चौकियां खस्ता हाल हो चुकी हैं और सीलन व काफी समय से मरम्मत न होने के चलते वन कर्मियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके तहत ही रेंज अधिकारी महेश सिमवाल ने बताया कि बैठक में वन कर्मियों से जुड़ी समस्याओं को सुना गया, उनसे संबंधित सुझाव भी मांगे गए और इसके निस्तारण का आश्वासन दिया गया। ऋषिकेश से महेश पवार की रिपोर्ट। वन एवं पर्यावरण एडवाइजरी कमेटी का वाइस चेयरमैन हूँ और उसके नाते मैं जितने भी फॉरेस्ट के डिवीज़न हैं या रेंजेज हैं उन पर सभी जगह जगह भ्रमण कर रहा हूँ। और जो इस समिति का काम है वो सभी वन और पर्यावरण क्षेत्रों में किस प्रकार से वन और पर्यावरण को अच्छा और स्वस्थ रखा जाए उसके संबंध में सभी अपने क्षेत्रों में अपने रेंजेस में अपने डिवीजन्स में जाके उन स्टाफ से मिल रहा हूँ और उनसे सब उनके अनुभवों के आधार पर उनकी समस्याओं के आधार पर किस तरीके से पर्यावरण और वनों को संरक्षित रखा जाए उसके सुझाव पर और ये सब चीज़ें मैं उन लोगों से एडवाइस लेता हुआ अपना भ्रमण कर रहा हूँ और उनकी जो भी उनके जो सुझाव हैं और उसके साथ उसमें जो भी अध्ययन करने के बाद ये पूरे क्षेत्रों में किस प्रकार से वनों को और पर्यावरण को बहुत एक स्वस्थ वातावरण दिया जा सके उसकी पूरी समीक्षा करने के बाद उनका पूरा एक ड्राफ्टिंग करने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं उनको इसको किस प्रकार से इसका क्रियान्वयन हो सके इस पर विचार हो सके अपने इनके सीनियर स्टाफ के साथ बैठकर उस पर चर्चा करी जा सके। इसके तहत मैं आज जो है अपने मोतीचूर का जो रेंज है यहाँ पर भी आज मैंने भ्रमण किया। बहुत अच्छी यहाँ बैठक हुई, अपने रेंज ऑफिसर साहब ने बहुत बढ़िया यहाँ पर अपने सभी जो है अपने फॉरेस्ट गार्ड हों चाहे फॉरेस्टर्स हों चाहे रेंज डिप्टी रेंजर्स हों सबको वन दरोगा हों बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने विचार और सुझाव किस प्रकार से इस वन विभाग और पर्यावरण को स्वस्थ रखा जाए ऐसे विषयों पर चर्चा रखी, ऐसे विषयों पर सुझाव दिए, उन सबका मैंने उनकी नोटिंग करी है और उनको अच्छी ड्राफ्टिंग करने के बाद फिर मैं इसके क्रियान्वयन के लिए अपनी संतुति जो है वो अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सौंपूंगा और इस पर पूरा काम होगा, उस पर पूरा कार्य होगा और वन विभाग के अपने जो स्टाफ है उनके भी उनका मनोबल बढ़ेगा और उनके काम की जो है गति बढ़ेगी और वन और वन्य जीव बहुत अच्छे और सुरक्षित और अच्छे रहेंगे। इसके तहत ये सब काम किया, इसके उद्देश्य से आज यहाँ आना हुआ मेरा। हमारे बीच में यहाँ पर श्री दीपक मेहरा सर, उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री वन पर्यावरण हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए थे। माननीय मंत्री जी द्वारा यहाँ पर हमारे जो ग्राउंड लेवल का जो स्टाफ है उनकी बैठक यहाँ पर ली गई और वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा राजाई टाइगर रिजर्व के अंतर्गत क्या क्या कार्य यहाँ पर संपादित किए जाते हैं, फायर फाइटिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मानव वन्यजीव संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हमारे जो वाइल्ड लाइफ हैं उनके लिए पानी की यहाँ पर क्या व्यवस्था है और अन्य पेट्रोलिंग की क्या व्यवस्था है, वन कर्मचारियों की क्या क्या समस्याएं हैं, हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, वन विभाग से संबंधित हर पहलू को उन्होंने छूने का प्रयास किया है। हमारे ग्राउंड लेवल के जो वन रक्षक हैं, वन दरोगा हैं, डिप्टी रेंजर्स हैं, उन सबसे अलग अलग सबसे बातचीत किया और उसका सार बनाकर माननीय मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी को सामने प्रस्तुत करेंगे और हमारे वन कर्मचारियों की जो कुछ समस्याएं भी उन्होंने सुनी हैं उनका भी उसमें संज्ञान लेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि इससे राजाजी टाइगर रिजर्व तो लाभान्वित होगा ही, निश्चित रूप से हमारा पूरा वन विभाग इससे लाभ प्राप्त करेगा।